आर के स्टेट के लोग आ रहे हैं तो सरकार को इस बारे में बैठकर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये सारी राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित देने के लिए स्टेट योजना बनाती है। स्टेट स्पेसिफिक है, स्टेट स्पेसिफिक योजना का लाभ स्टेट के खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। यदि इसमें कुछ परिवर्तन करना है तो सरकार इस पर बैठकर इसको रिव्यू करे, जिससे राजस्थान के खिलाड़ियों को इसमें प्रोत्साहन मिल सके। 295 श्री जोगेंद्र सिंह अवाना। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के लिए नियम 295 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र नदबई की नगर पालिका उच्चैन के गहलऊ में रिको स्टोन इंडस्ट्री खोलने के संबंध में बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, उपरोक्त विषय पर निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में नगर पालिका उच्चैन से सटे बंसी पहाड़पुर इलाके में फॉरेस्ट विभाग की भूमि को डी फॉरेस्ट कर वैध खनन को मान्यता प्रदान करते हुए लीजों का आवंटन किया है, जिसको देखते हुए यहाँ पर पत्थर व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए नए रिको औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता है, जहाँ पर इन लीजों के निकलने वाले इमारती पत्थर की कटाई छटाई सहित स्टॉक यार्ड की आवश्यकता होगी, क्योंकि बंसी पहाड़पुर इलाके से उच्चैन नगर पालिका की दूरी बहुत कम है तथा दोनों के सीमा क्षेत्र आपस में सटे हुए हैं। इसलिए इन सभी संभावनाओं को देखते हुए नए रिको औद्योगिक क्षेत्र की महती आवश्यकता है। माननीय, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र नदबई के विकास को गत 3 वर्षों में विकास के लगा, मेरी आपसे आग्रह है कि नदबई विधानसभा क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए रिको की महत्व ही आवश्यकता है। अतः नगर पालिका उच्चैन के गहलऊ क्षेत्र में 150 बीघा से अधिक सरकारी भूमि उपलब्ध है, इस भूमि पर रिको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना आसानी से हो सकती है। अतः अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि उक्त जनहित के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए नगर पालिका उच्चैन में गहलऊ में रिको स्टोन इंडस्ट्री खोले जाने का श्रम करें। धन्यवाद। अशोक लावटी, श्री हीराराम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र बिलाड़क में किसानों को अकाल राहत पैकेज का मुआवजा दिलवाने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष